तो इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है हम उसके कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन कर रहे हैं आज, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक, तो प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 देखो, जो मेन मेन क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, बाकी आपने खुद करने हैं। और ये जो असाइनमेंट है वो आयोनिक प्लस फिजिकल दो, सॉरी फिजिकल कह रहा हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों की है। तो पहले केमिकल इक्विलिब्रियम हो चुका है हमारा, अभी आयोनिक पढ़ा है ना थोड़ा सा, तो जब ये आयनिक पूरा हो जाएगा ना नेक्स्ट वीक से पहले पहले पूरा हो ही जाएगा, तो आप लोगों ने ये असाइनमेंट नेक्स्ट वीक से पहले पहले करनी है सर, संडे तक, सो दैट संडे जो है हमारा इसके डाउट्स हो जाएं, इसमें सॉल्यूशंस भी हैं पीछे एंड में। ओके, तो सबसे पहले कुछ मेन मेन क्वेश्चन है वो करवा देते हैं। 21st, फॉर अ गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन केपी एंड केपी डैश आर दी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर T1 एंड T2। आपके पास कोई भी रिएक्शन दे रखी है, लेट अस से ये रिएक्शन है। ओके, इस रिएक्शन के लिए T1 पे जो K की वैल्यू मेजर कर रही है उसको KP बोल रहे हैं, और T2 पे जो K की वैल्यू मेजर कर रही है उसको KP डैश बोल रहे हैं। ओके, क्लियर। रिस्पेक्टिवली अज्यूमिंग दैट हीट ऑफ रिएक्शन इज कॉन्स्टेंट इन टेम्परेचर रेंज बिटवीन T1 एंड T2। ओके, आपने ये मान के चलना है कि जो हीट ऑफ रिएक्शन है, जो डेल्टा एच की वैल्यू आती है रिएक्शन के लिए, वो कॉन्स्टेंट है। ठीक, वैसे इन्होंने और साथ में क्या मेंशन कर रखा है कि ये एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव दे रखा है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इट इज रेडली ऑब्जर्व दैट, ये क्या कह रहे हैं कि हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, केपी और केपी डैश में क्या रिलेशन होगा, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ओके, हालांकि इनको ये भी साथ में मेंशन करना चाहिए था कि T2 इज ग्रेटर देन T1, ये इन्होंने मेंशन करी नहीं है चीज, क्योंकि हमें कौन सा पता लगेगा कौन सा लो टेम्परेचर है कौन सा हाई टेम्परेचर है। ओके, हमें नहीं ना पता लगेगा, क्लियर। वैसे आपके पास जो इस इक्विलिब्रियम के लिए, मेरे को ये लग रहा है इन्होंने क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो ये T2 ग्रेटर देन T1 है। ठीक, आया भी ऐसे ही था ये क्वेश्चन, तो ये अपनी तरफ से अज्यूम करना पड़ेगा आपको, इनको मेंशन करना चाहिए था वैसे, बट चलो अगर वे ऐसे बोल रहे हैं तो इट मींस मेरे को लग रहा है कि ये इस अकॉर्डिंग है। तो अब आप देखो, अब इसके केस में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इट मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब आप हीट देते हो, जी आपने सेट किया, हमने पढ़ा हुआ ना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड में एंडोथर्मिक है। जब आप हीट दोगे तो वो हीट को क्या करेगा, अंडू करने की कोशिश करेगा। हीट अंडू कैसे हो सकती है इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए हीट अंडू ऐसे हो सकती है अगर आप क्या करो, कैसे किस साइड शिफ्ट करें उसको, बैकवर्ड, क्योंकि बैकवर्ड शिफ्ट करने पे वो जितनी भी हीट दोगे आप उससे क्या होगा, उससे आपका क्या बोलते हैं वो हीट जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने में तो नहीं आ जाएगी, तो होगा क्या, इट मीन्स जब बैकवर्ड शिफ्ट होगा रिएक्शन तो उस टाइम क्या होगा, जो केपी डैश है, केपी डैश की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ना, तो प्रोडक्ट कम होंगे रिएक्टेंट बढ़ेंगे, तो केपी डैश की वैल्यू कम हो जाएगी। इट मीन्स केपी डैश इज लेस देन केपी फॉर दिस इक्विलिब्रियम। ओके, केपी डैश विल बी लेस देन केपी, तो ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो केपी जो है जब ग्रेटर देन वन होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई होता है केपी की वैल्यू, उसका मतलब क्या होता है, उससे हम क्या इंडिकेट मानते हैं कि केपी की वैल्यू निकालते कैसे हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे निकालते हैं केपी की वैल्यू। ठीक, तो अगर आपके पास केपी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो, इसका मतलब है न्यूमरेटर जो है वो बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेरिजन टू डिनोमिनेटर, तो इट मीन अगर केपी की वैल्यू इतनी हाई है तो इसका मतलब क्या है कि जो इक्विलिब्रियम सिस्टम है विल कंटेन क्या, मोस्टली प्रोडक्ट्स। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। केपी वैल्यू हाई होने का मतलब क्या है आपके पास, कि ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम जो है अटेन होने से पहले प्रोडक्ट साइड ही शिफ्टेड होता है, और उसका मतलब ये निकल के आता है कि जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो उस टाइम उसमें मोस्टली प्रोडक्ट होंगे। अगर केपी लेस देन वन हो, बहुत ही छोटा हो, उसका मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले प्रोडक्ट ना के बराबर ही बनते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट्स ही होते हैं, इट कंटेन्स रिएक्टेंट्स ओनली, अगर ये सिचुएशन होती। ओके, और अगर केपी इक्वल टू वन हो तो उस टाइम सिग्निफिकेंट, इक्वल टू या नियर बाय वन, थोड़ा बहुत ही फर्क ऊपर नीचे हो तो उस टाइम दोनों की अमाउंट ठीक ठाक होती है एट इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 इज डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पास जो आया है दैट इज इन दी
क्वेश्चन नंबर 33, ये एम्स का है क्वेश्चन, अब इसको भी पिक कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन इज, देर इज अ रिएक्शन दिस इज बिगन विद कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ एट इनिशियल वैल्यू 1 मोलर। ए और बी दोनों की वैल्यू कितनी है? 1 मोलर, क्योंकि कंसंट्रेशन चाहिए होती है ना हमें, तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो हमने रिएक्टेंट साइड से अटेन करवाना शुरू किया। ए की कंसंट्रेशन भी 1 मोलर है, बी की कंसंट्रेशन भी 1 मोलर है इनिशियली। व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड द कंसंट्रेशन ऑफ डी इज मेजर्ड एंड फाउंड टू बी 0.25 मोलर। जब आपका इक्विलिब्रियम आया उस टाइम हमने डी की कंसंट्रेशन मेजर करी और वो कितनी आई हमारे पास? 0.25 मोलर। द वैल्यू फॉर द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है, ये पूछा है उन्होंने। अब आपको रिएक्शन दिख रहा है, रिएक्शन क्या है हमारे पास? 2a + b इज गोइंग टू गिव c + d, 3c + d। ओके, शुरू में हमने जो कंसंट्रेशन ली है, इनिशियल कंसंट्रेशन की अगर बात करें, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी 1 मोलर है और इसकी भी 1 मोलर है, और ये दोनों 0 हैं, ये स्टार्टिंग में नहीं लिए हुए थे हमने। ओके, उसके बाद जब आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, इक्विलिब्रियम अचीव होने पे इसकी कंसंट्रेशन 0.25 मोलर है, बस इतना हमें गिवन है। अगर इसकी 0.25 मोलर है तो ये 0.25 मोलर बना कैसे है? रिएक्टेंट साइड से बना ना, थोड़े बहुत रिएक्टेंट रिएक्ट हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग ही बना है, तो कितना रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ होगा जिसके अकॉर्डिंग बना होगा? हमें बी और डी का रिलेशन तो डायरेक्ट ही है हमारे पास, क्योंकि ये 1 1 बी गेट्स कन्वर्टेड टू 1 डी अकॉर्डिंग टू स्टॉइकोमेट्री। जब एक बी रिएक्ट होगा वो एक डी में कन्वर्ट होगा, है ना? तो अगर यहाँ पे 0.25 मोलर डी बना है, इट मीन 1 मोलर में से 0.25 मोलर जो है बी का वो कम हुआ है। ओके, तो इट मीन बी बचेगा कितना इक्विलिब्रियम पे? 0.75 मोलर बची हुई कंसंट्रेशन ही है, ये लेफ्ट कंसंट्रेशन है, क्योंकि 0.25 रिएक्ट होके तभी डी जो है वो 0.25 मोलर बना है। ओके, तो ए कितना रिएक्ट हुआ होगा? अगर बी 1 मोल रिएक्ट करे उस टाइम बी ए जो है वो डबल रिएक्ट करेगा। ओके, यहां से पता लग रहा है ना, 2 मोल के लिए 1 मोल लगता है बी का, तो अगर बी 1 मोल रिएक्ट हो तो ए 2 मोल रिएक्ट होते हैं, बट बी रिएक्ट कितना हुआ? 0.25 मोल, तो ए का कितना रिएक्ट रिएक्ट हो गया होगा? 0.5 मोल। तो इट मीन 1 में से 0.5 मोलर मोल रिएक्ट हो जाएगा, 1 में से 0.5 मोलर कंसंट्रेशन रिएक्ट हो जाएगी। ए की बचेगी कितनी इक्विलिब्रियम पे? 0.5 मोलर। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है? 0.5 मोलर। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी कितनी है? 0.75 मोलर। और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी कितनी है? 0.25 मोलर। अब सी की भी निकाल लेते हैं। सी के लिए आप कोई भी रिलेशन यूज कर सकते हो, मैं बी और सी का रिलेशन यूज कर रहा हूँ, कि अगर एक बी रिएक्ट हो तो एक बी के रिएक्ट होने से 3 सी प्रोड्यूस होते हैं, बट बी रिएक्ट कितना हुआ है इक्विलिब्रियम आने से पहले? बी रिएक्ट हुआ 0.25 मोलर। तो अगर आपका बी 0.25 मोलर रिएक्ट होगा तो उससे सी कितना बनेगा? 0.75 मोलर। तो सी कितना है? 0.75 मोलर। ओके, सी आपका कितना बना? 0.75 मोलर। तो बस अब आपने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन निकालना है इसका, उसके बाद वैल्यूज पुट कर देनी है इक्विलिब्रियम वाली। तो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या बनेगा इसके लिए? सी कंसंट्रेशन ऑफ सी क्यूब कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ बी 1। ओके, अब वैल्यूज पुट कर दो। सी की कंसंट्रेशन कितनी है इक्विलिब्रियम पे? 0.75, उसका क्यूब होना है। डी की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.25, उसकी पावर 1 होनी है। ए की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.5, उसकी पावर 2 होनी है। बी की कंसंट्रेशन कितनी है जो बची हुई है इक्विलिब्रियम पे? 0.75, उसकी पावर भी 1 है। तो आपके पास k की वैल्यू ये बनेगी। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने आंसर में भी सॉल्व नहीं कर रखी। तो कौन सा बन रहा है ये बन रहा है इसमें ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, ठीक। सॉल्व कर लोगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, बट इन्होंने ऐसे छोड़ा हुआ है आंसर में, तो आप लोगों ने भी ऐसे छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ये मैंने बीच बीच से चूज एंड पिक क्वेश्चन इसलिए करे गए हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट से क्वेश्चन है, वो वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है।
और बाकी आपने भी ट्राई करनी है जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से पहले पहले हो जाएगा, तो आपने नेक्स्ट वीक से पहले पहले ये बीच में सारी ही असाइनमेंट करनी है नेक्स्ट वीक तक। तो इसमें से जितने भी केमिकल इक्विलिब्रियम कोई वाले क्वेश्चन है वो तो चाहे करने शुरू कर ही दो ना तुम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 36। सो क्वेश्चन नंबर 36 इज द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट 300 केल्विन फॉर द रिएक्शन दिस। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है कितनी है, 2494.2 जाउल इस इक्विलिब्रियम के लिए, और टेम्परेचर कितना है उस टाइम, 300 केल्विन। एट अ गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज दिस दिस एंड दिस। ठीक, किसी टाइम पे, मतलब अभी वो टाइम क्या है वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, कोई भी टाइम है आपके पास उस टाइम जो इस इक्विलिब्रियम के लिए कंसंट्रेशन कितनी है हमने ऑब्जर्व करी, जो ए की इतनी, बी की इतनी, सी की इतनी, द रिएक्शन प्रोसीड इन, तो आप रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, 2A इज गोइंग टू गिव बी प्लस सी। ओके, तो इसके लिए जो आपके पास जिस टाइम पे भी आपने कंसंट्रेशन मेजर करी है उस टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन मेजर कितनी करी है, ए की कंसंट्रेशन है 1/2, बी की कंसंट्रेशन है 2 और सी की कंसंट्रेशन है 1/2। ओके, तो उस कंसंट्रेशन पे अगर मान लो ये इक्विलिब्रियम ही, इक्विलिब्रियम तो नहीं है, है ना, क्योंकि हमें नहीं पता इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, बट जब कंसंट जब आपको ना पता हो इक्विलिब्रियम नहीं है कि है, उस टाइम अगर इक्विलिब्रियम वाले एक्सप्रेशन से, इक्विलिब्रियम वाला एक्सप्रेशन लगाएं अगर हम इसके ऊपर, तो वो क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 2। तो बी की कंसंट्रेशन कितनी है 2, सी की कितनी है 1/2 और ए की कितनी है 1/2 और उसका स्क्वायर होना है। ठीक, तो कितना बना ये, दिस कम्स आउट टू बी 4। ये आपके पास वैल्यू आ रही है 4, इसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। ओके, तो अब रिएक्शन कोशेंट जो है क्यू आ गया आपके पास, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि क्यू जो है वो के से बड़ा है, के इक्वल है कि के से छोटा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा, रिवर्स में जाएगा कि कहां जाएगा। ओके क्लियर, तो अब उसको देख लेते हैं। अब आपको दिख रहा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैसे निकालें, उसको निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डेल्टा जी। अब आप बोलोगे डेल्टा जी कैसे, डेल्टा जी और के का रिलेशन होता है, क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log K। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड के। ओके, तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे दे रखी है 2494.2 जाउल इज इक्वल टू -2.303। आर की वैल्यू 8.3, जाउल वाली पुट करनी थी ना इसलिए आर की वैल्यू 8.3। टेम्परेचर कितना है 300 log K। ओके क्लियर, तो आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर बनेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अब बिट, ये मल्टीप्लाई करते हैं पहले ये सारे नंबर। ठीक, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर बन रहा है 2.303 × 8.3 × 300। सो दिस कम्स आउट टू बी -5734.47 log K 2494.2 जाउल। ओके, तो ये बन रहा है, तो इसको अगर सॉल्व किया जाए 2494.2 / 5734.47 दिस कम्स आउट टू बी 0.43 log K नेगेटिव। यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव साइन तो दे नहीं रखा इन्होंने, डेल्टा जी फॉर दिस इज पॉजिटिव दे रखा, तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर माइनस में आएगा क्योंकि एक्सप्रेशन में नेगेटिव होता है ऑलरेडी। तो अब इसका आंसर बनेगा के कम्स आउट टू बी लॉग का, मतलब मैंने आपको शायद समझाया था कि लॉग यहाँ पे बेस 10 है, एक्स रेज टू लॉग बेस एक्स एक अगर निकालें और इसका आंसर बी बन रहा है, इसका मतलब होता है कि x की पावर b रेस करोगे तो a बन जाएगा। ठीक है, मतलब
दिस इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर बी। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये बनेगी। लॉ का फिजिकल मीनिंग वैसे ये होता है कि इस बेस की पावर कितनी रेज करें कि ये बन जाए। जैसे अगर आपको कोई पूछ ले लॉग ऑफ 100 क्या होगा, बेस 10 का, 10 की पावर कितनी रेज करें 100 बन जाए, 2, तो इसका आंसर 2 है, लॉग ऑफ 100 2 आता है। ओके तो यहाँ पे मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ, अभी लॉग निकालना भी अभी सिखाएंगे आपको, बट अभी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये बन गया आपके पास 10^-0.43, इसका आंसर है के इज इक्वल टू 1/10^0.43। 10^0.43 की वैल्यू कितनी की होगी, पॉजिटिव ही होगी, 1 से ग्रेटर ही आएगी ना इसकी वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर ही होगी। और के की वैल्यू 1/, लेट अस से ये 3 भी है, तो 1/3 कितनी होगी, 0.3 हो जाएगी ना के की वैल्यू। हमें अप्रोक्सीमेट ही चाहिए, हमें एग्जैक्ट चाहिए भी नहीं, ठीक है। के की वैल्यू कितनी है आपके पास, अप्रोक्सीमेटली 0.33। ओके बट आपके पास यहाँ पे जो क्यू था, जो रिएक्शन क्वेश्चन था एट द गिवन कंसेंट्रेशन, जो गिवन है उस पे वो रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, 4। मतलब क्यू ग्रेटर देन के वाला केस है, यहाँ पे क्यू इज ग्रेटर देन के। और अगर रिएक्शन क्वेश्चन क्यू ग्रेटर देन के हो, इसका मतलब क्या होता है, इस इक्विलिब्रियम में अभी जिस कंसंट्रेशन पे हमने देखा इस इक्विलिब्रियम को, उसका रिएक्शन क्वेश्चन क्यू उस टाइम ग्रेटर देन के है, बट हमें तो क्यू इक्वल टू के करना है अल्टीमेटली, पहुंचना तो इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम पे ही है ना। रुको मैं शायद यहाँ पे थोड़ा रिएक्शन अपनी तरफ से गलत लिख गया, 2A इज गोइंग टू गिव बी प्लस सी है रिएक्शन जो इन्होंने दी हुई है, ठीक। तो इस रिएक्शन ने पहुंचना तो इक्विलिब्रियम पे होता है, तो अभी फिलहाल जो कंसंट्रेशन दी हुई है, जो ये वाली कि ए इज 1/2, बी इज 2, सी इज 1/2, इस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो आपका रिएक्शन क्वेश्चन बन रहा है वो ग्रेटर देन के बन, तो ग्रेटर देन के को इक्वल टू के करने का मतलब कैसे होता है, क्यू इक्वल टू के कब होगा, जब आपके पास क्यू होता क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब आपने क्यू की वैल्यू कम करनी है तो प्रोडक्ट आपको घटाने पड़ेंगे और रिएक्टेंट आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तभी क्यू प्रोडक्ट शुड बी डिक्रीज्ड एंड रिएक्टेंट शुड बी इंक्रीज्ड। तो आपके पास क्या बचता है फिर ऑप्शन, बैकवर्ड शिफ्ट होने का। अगर आपके पास प्रोडक्ट घटाने हैं इक्विलिब्रियम को, इक्विलिब्रियम यहाँ पे इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अचीव करवाने के लिए प्रोडक्ट डिक्रीज करने हैं और रिएक्टेंट बढ़ाने हैं, तो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा ये, तो इट विल शिफ्ट बैकवर्ड। तो ये रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये इसका आंसर है। तो आपका रिएक्शन विल शिफ्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में कब शिफ्ट होता है, जब क्यू ग्रेटर देन के सी आता है, ये वाला है, डी ऑप्शन है, गॉट इट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एट 298 केल्विन फॉर अ रिएक्शन दिस इज 100। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी है, 100, के की वैल्यू 100 दे रखी है। इफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल द फोर स्पीसीज इज 1 ईच, देन द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ डी। स्टार्टिंग में इनिशियल कंसेंट्रेशन सभी की एक एक मोलर ले ली हमने, तो ये पूछ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे कंसेंट्रेशन क्या होगी डी की। ओके चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, वेट अ मिनट। तो ये आपके पास, हमारे पास के की वैल्यू गिवन है, के इज 100। ओके वैसे एक्सप्रेशन ऑफ के क्या बनेगा फॉर दिस इक्विलिब्रियम, ये बनेगा के कम्स आउट टू बी कंसेंट्रेशन ऑफ सी कंसेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए कंसेंट्रेशन ऑफ बी, ये एक्सप्रेशन बनेगा के का। ओके और ये कह रहे हैं कि शुरू में इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल दी फोर स्पीसीज, अगर मैं इनिशियल कंडीशंस की बात करूं, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही है, इनिशियली इसकी भी 1 मोलर है, इसकी भी 1 मोलर है, इसकी भी 1 मोलर है और इसकी भी 1 मोलर है, सभी की कंसेंट्रेशन 1 मोलर है। तो अगर मैं इनिशियल कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग देखूं तो रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 × 1/1 × 1 = 1 आएगी, और वैसे के की वैल्यू कितनी है, 100। तो क्यू इज लेस देन के है अभी फिलहाल, इनिशियल कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग देखे तो क्यू लेस देन के का मतलब क्या होता है, क्यू लेस देन के का मतलब है कि आपका रिएक्शन अभी फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, तब जाके इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो एट इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम अचीव करवाने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि इसमें से एक्स कंसेंट्रेशन कम होगी, तो उतनी ही सेम अमाउंट में, ये दोनों 1:1 में चलते हैं तो सेम अमाउंट में ही बी कम होगा, ये भी 1 - x होगा, और सी में कितना ऐड होगा, जितना एक्स्ट्रा बना होगा। अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करे तो सी कितना बनता है, 1 मोल, और 1 मोल नया बनता है ना, तो अगर इसका एक्स रिएक्ट करा है तो सी में कितना ऐड हो जाएगा, 1 + x, और डी भी 1 + x हो जाएगा। ओके, एक्स एक कॉमन नंबर लिया जो हमने माना, हमें पता है कि ये दोनों इक्वल अमाउंट में कम होंगे, 1:1 में है ना, क्योंकि तो अगर इसमें से एक्स कम होगा, एक्स मोल कम होंगे, इसमें से भी एक्स मोल कम होंगे, तो इसमें एक्स बन जाएंगे और इसमें भी एक्स बन जाएंगे, तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ये मानी है हमने, एक्स की टर्म में एक्स को निकालना है, यही तो हमारा मेन काम है, तभी तो कंसंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम निकलेगी, क्योंकि वो 1 + x है। तो बस अब ये वाली वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यूज ऑफ कंसंट्रेशन इन इक्वेशन, इक्वेशन में पुट कर दो ये वाली में, तो आपके पास क्या बनेगा, 1 + x, 1 + x इज डिवाइडेड बाय 1 - x, 1 - x दिस इज इक्वल टू 100। तो आपके पास ये बना 1 + x, 1 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये गलती से लिख दिया, इक्वल टू 100। तो अब आपने स्क्वेयर रूट कर देना दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा, स्क्वेयर रूट करने पे 1 + x बाय 1 - x इज इक्वल टू 10। वैसे तो ±10 होता है, तो आप माइनस वाली टर्म को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो प्लस वाले 1 + x इज इक्वल टू 10 इंटू 1 - x, तो ये बन जाएगा 1 + x इज इक्वल टू 10 - 10x, तो यहाँ से बन जाएगा 11x इज इक्वल टू 9, एक्स कम्स आउट टू बी 9/11, 9/11, तो ये आपके पास आ गया 9/11 एक्स की वैल्यू। तो कंसंट्रेशन ऑफ डी पूछी थी ना उन्होंने इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम इसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 1 + x ना, और एक्स की वैल्यू आप निकाल दी 9/11, तो ये बन गया आपके पास टोटल आंसर बन गया 20/11। 20/11 कितना होता है, इसको उन्होंने सॉल्व भी कर रखा है ना, आई थिंक 1.881 ये होगी वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ डी, क्योंकि यही वैल्यू इसके अराउंड ही आंसर आएगा। मगर कई बार कंपटीशन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की, कैलकुलेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 1.8 के अराउंड ही है, तो बस कौन सी ऑप्शन है 1.8 के अराउंड ये वाली। तो क्वेश्चन इजी ही है, बस आपको कंसेप्ट बिल्ड करने की जरूरत है, तभी आपने +1 पे पूरा फोकस लगा दो कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर। ओके, और साथ साथ में थोड़े बहुत क्वेश्चन जितने भी प्रैक्टिस होंगे कंपटीशन के प्रीवियस ईयर वाले वो, क्योंकि एक बार अच्छा कंसेप्ट बिल्ड कर गया वो +1 +2 में भी काम आएगा, +2 में भी, क्योंकि सारा +1 का कंसेप्ट ही चलना है, ये जितनी भी +1 + +2 हो रही है ना आपकी, ये कंसेप्ट हैं फॉर दी हायर क्लासेस। ओके, और जो +1 है वो +2 के कंसेप्ट भी +1 में ही आ जाने हैं, तो मतलब +1 बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट बच्चे उल्टा करते हैं, वो +1 में इतना फोकस देते नहीं है, हालांकि +1 में ही फोकस देना शुरू कर देना चाहिए। ओके, तो चलो, तो ये आपका क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये 54th और 45th क्वेश्चन हो गया, 50th, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग, ये इससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं था, नहीं है, 48th हमारा बस क्वेश्चन है, 48th क्वेश्चन है हमारे पास असाइनमेंट का, इन अ क्लोज सिस्टम दिस, ये क्लोज्ड सिस्टम मतलब क्लोज वेसल में ये आपने इक्विलिब्रियम अचीव करवाया, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज डबल्ड, अगर आप सी का पार्शियल प्रेशर डबल कर दो, देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी, तो बी के पार्शियल प्रेशर पे क्या फर्क आएगा। ठीक है, चलो पहले इसको उठाते हैं यहाँ से, ये बिट्स में आया हुआ है, बिट्स इज ऑल्सो अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। ओके, इंजीनियरिंग में आपके पास, मैंने शायद आपको पहले भी बताया है, मेनली कौन कौन से इंस्टीट्यूट होते हैं जो अच्छे हैं माने गए हैं, बिट्स। ओके, और आपके पास NITs हैं और IITs हैं। ठीक, NITs के लिए JEE, IITs के लिए JEE एडवांस, और बिट्स के लिए उनका अपना टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं बिट सेट। ओके, तो ये बिट सेट में आया हुआ है क्वेश्चन, लेवल वैसे बिट्स और JEE मेंस का सेम ही होता है, एडवांस थोड़ा हाई लेवल का होता है, बट जेई मेंस और बिट्स का जो एग्जाम होता है वो स्वयं सेम लेवल का ही होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इनमें। तो इसमें आपको बोला गया है कि आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डबल कर दिया, सॉरी सी डबल कर दिया, बी के पार्शियल प्रेशर में क्या फर्क आएगा वो निकालना।
पहले इसको अगर वैसे समझें, हमें याद आया कि ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ाते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। तो आप पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डबल करने का मतलब यही है कि आपने सी की अमाउंट ज्यादा कर दी जिसकी वजह से उसका पार्शियल प्रेशर डबल हो गया। तो आपने एक तरह से सी की कंसेंट्रेशन बढ़ाई है तो इट मीन्स रिएक्शन होगा बैकवर्ड शिफ्ट। बी की थोड़ी ना बढ़ाई थी, सी की बढ़ाई थी। तो जब ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो सी की तो थोड़ी बहुत अमाउंट रिएक्ट होगी ही होगी, बट साथ में उसके बी की अमाउंट भी रिएक्ट हो जाएगी। ओके, हालांकि बी तो कुछ कर ही रहा, बी तो ऐड ही नहीं किया आपने, पर फिर भी जब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा बिकॉज यू इंक्रीज्ड दिस कंसंट्रेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो बैकवर्ड शिफ्ट होने पे सी को भी थोड़ा बहुत बी को भी थोड़ा बहुत सी से रिएक्ट करना पड़ेगा। तो होगा क्या, बी की अमाउंट भी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, हालांकि बी आपने ऐड नहीं किया है बट फिर भी इसकी अमाउंट कम होनी शुरू हो जाएगी। ओके, अब वो कितनी कम होगी उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले हम ये मान लेते हैं, लेट अस से कि कंसंट्रेशन, अगर ये क्लोज्ड सिस्टम है तो आपके पास इसके लिए इनिशियल वैल्यूज, वेट, 2b+c, अगर इसके लिए इनिशियल इनिशियल नहीं बोलेंगे आप, जो स्टार्टिंग वाला इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम वन, जब आपने अभी सी कुछ नहीं ऐड किया था, मान लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इतना था, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इतना था और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कितना था, वो ऐसे था। ओके, तो उस टाइम के का एक्सप्रेशन क्या बनता था, के का एक्सप्रेशन था आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेस्ट पावर 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये आता ना के बी का एक्सप्रेशन पार्शियल प्रेशर की टर्म में। उसके बाद जब आपने उसको इक्विलिब्रियम स्टेज 2 पे भेजा, कैसे भेजा, इक्विलिब्रियम स्टेज 2 पे भेजने का तरीका क्या है, आपने इसका जो प्रेशर है वो डबल कर दिया, आपने 2 PC कर दिया। ओके, डबल कर दिया, डबल करने की वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो 2 PC होगा अगर ये, तो 2 PC तो इनिशियली होगा बट उसमें से थोड़ा सा अमाउंट कम हो जाना, एक्स अमाउंट कम हो जाएगा जब बैकवर्ड शिफ्ट होगा ना इक्विलिब्रियम। तो 2 PC में से आपने एकदम से उसका प्रेशर डबल किया बट इक्विलिब्रियम साथ में बैकवर्ड शिफ्ट मार जाएगा, तो डबल तो हो गया, उसमें से एक्स अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है वो कम हो गया। ओके, और सिमिलरली अगर ये 1 कम हो तो ये डबल कम होता है। ओके, तो इट मीन्स पीबी में से कितनी अमाउंट कम हुई है, 2x, और पीए की कितनी अमाउंट बढ़ी होगी, अगर एक्स के टर्म में आएगा ना ये, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, इसका कॉफिशियंट भी 1 है, तो PA+X, तो जितना ये कम होगा इसका पार्शियल प्रेशर कम होगा उतना ही ए का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। ओके, अब जो आपके पास केपी का एक्सप्रेशन बनेगा वो कितना बनेगा, केपी कम्स आउट टू बी 2 PC-X इंटू 2 PB, PB-2X डिवाइडेड बाय PA+X, और यहाँ पे PB-2X का स्केयर भी होना है क्योंकि यहाँ पे कॉफिशियंट 2 है ना। बट केपी की वैल्यू चेंज होती है प्रेशर चेंज करने से, नहीं, केपी की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी हमने निकाल रखी है वो ये है। ओके, तो केपी की वैल्यू तो हमने यही पुट कर देनी है, केपी की वैल्यू क्या है आपके पास, PB² dot PC by PA इज इक्वल टू 2 PC-X इंटू PB-2X का स्क्वायर डिवाइड बाय PA+X। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्सप्रेशन। तो अब इक्वल करने के लिए ये दोनों इक्वल कब होंगे, वो वाली वैल्यू निकालनी है एक्स की। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, इसमें थोड़ा ये इक्विलिब्रियम का हमने गलत ले लिया है और अभी इसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो दिस विल बी सॉल्व नेक्स्ट टाइम। तो आपको इसको पेंडिंग में रखते हैं अभी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। ये आपके पास 50th क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इन रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K1, K2 और K3 दे रखी है। तो ये वाला जो आपके पास रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बनेगा वो निकालना है आपने, ठीक है। जैसे वो हैसलॉ में नहीं करते हम जोड़ तोड़ के कि इन
इक्विलिब्रियम रिएक्शन से ये वाली इक्विलिब्रियम रिएक्शन कैसे बनेगी, ऐसे जोड़ तोड़ के जो भी आपके पास जोड़ तोड़ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा वही आपको केज में दिखाना पड़ेगा। ओके वही आपका के में होता है ना ये रिएक्शन, आपने हमने पढ़ा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लगा, जो आप यहाँ पे इनमें चेंजेस करोगे वैसे ही चेंज, ठीक, उसके बाद जिसको जो चेंजेस करके इसको बनाओगे ओवरऑल, तो आपने जो जो चेंजेस उसके लिए किए होंगे अकॉर्डिंगली उसमें के की वैल्यूज भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके, तो उसके अकॉर्डिंग वही एक्सप्रेशन बन जाएगा के लिए। तो चलो इसको करके देखते हैं, लेट मी टेक दिस एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन टुडे जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपके पास है क्वेश्चन, आपका रिजल्टेंट ये आपने ये लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, अभी मैं इसको पूरा मतलब आपको अब तो आ ही गया है करना, तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा। आपको इस रिएक्शन को, आपको दिख रहा है अमोनिया आपको किस साइड चाहिए, रिएक्टेंट साइड, तो आपको इस रिएक्शन को उल्टाना पड़ेगा। तो उल्टाने के बाद रिएक्शन क्या बनेगी, 2NH3 3H2 + N2, और इसके लिए के कितना बनेगा, 1/K-, क्योंकि अगर आप इक्विलिब्रियम रिएक्शन को इन्वर्ट करो तो के की वैल्यू भी इन्वर्ट हो जाती है, यू नो वेरी वेल। ओके उसके बाद ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन कितने चाहिए आपको, 5/2 चाहिए ऑक्सीजन। ओके 5/2 चाहिए ऑक्सीजन, और आपको वो 2NO चाहिए, NO तो ऑलरेडी 2 हो रखा है, ओके प्रोडक्ट साइड, और ये प्रोडक्ट साइड ही है, और वाटर कितने चाहिए, 3। तो इट मीन्स इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो इस इक्वेशन को पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन क्या बनेगी, 3H2 + 3/2 O2 इज गोइंग टू गिव 3H2O। तो जब आप इक्वेशन को पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो के की वैल्यू में क्या फर्क आता है, हमने पढ़ा था कि जिस भी कॉफिशियंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो के की पावर की फॉर्म में आ जाता है, तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी दैट इट विल हैव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 रेस्ट पावर 3। ये आपके पास K3 रेस्ट पावर 3। ओके तो ये वाली इक्वेशन, अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, ठीक है, 1 + 2 + 3 कर दो तो क्या बनेगा आपके पास, आपके पास ओवरऑल इक्वेशन ये बन जाएगी। चाहे करके देख लेना, ये वाली इक्वेशन प्लस ये वाली इक्वेशन प्लस ये वाली इक्वेशन, अगर आप तीनों को ऐड कर दोगे ना यू विल गेट दिस एज अ ओवरऑल इक्वेशन। ओके तो इट मींस ये वाला जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है उसमें ये वाला और ये वाला, ये तीनों स्टेप रिएक्शन है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, जितने भी स्टेप रिएक्शन होते हैं उन सभी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका ओवरऑल रिएक्शन का मल्टीपल, ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है। तो इसमें ये वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2, ये वाली का कितना है, 1/K1, ये वाली का कितना है, K3 का क्यूब। ये आपके पास ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बन गया। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन के लिए जो के की वैल्यू है वो कितनी आ गई, K2 × K3 क्यूब / K1, ये आपके पास आएगा। तो आपके पास ओवरऑल क्या बना, ये ऑप्शन नंबर ए। तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इन टर्म ऑफ K1, K2 और K3 आ गई आपके पास, ये रही। ठीक, और अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा कि ये कैसे किए हैं हमने, तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ना नोट्स में से जो केमिकल इक्विलिब्रियम है। ओके तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी हम जो नेक्स्ट टाइम है ये जो पूरी असाइनमेंट है, ओके वेट लेट मी शो स्टार्टिंग से, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक, टोटल इसमें आपके पास 67 क्वेश्चंस हैं। ओके तो ये नेक्स्ट टाइम तक हमने असाइनमेंट करके इसमें से मैंने डाउट लेने हैं। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे।